السلام عليكم ميديسن انتيستكس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تو اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے تقریباً تین چار ویڈیوز میں کوسچن نمبر 1 سے 65 تک سالو کر چکے ہیں. اس ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے باقی ریمیننگ جتنے بھی کوسچن ہیں اس ویڈیو میں ہم اس کو سالو کر لیں. اگر ویڈیو بہت لمبی نہ ہوئی تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں کمپلیٹ پیپر سالو ہو جائے گا ریمیننگ. तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 से. अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि इसके बाद कल जो नेक्स्ट टाइम पीएसटी का टेस्ट होगा मेरे टेस्ट के हवाले से अपडेट होगी रिजल्ट के हवाले से और नेक्स्ट डिवीजन के टेस्ट के हवाले से साथ साथ हम एजुकेशन के अपडेट्स देते होते हैं. विच क्वेश्चन नंबर 66 से सॉल्व करते हैं यहाँ पर. विच प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम डज नॉट हैव एनी मून? सैटर्न, मार्स, जुपिटर और वेनस. तो 66 में हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है वेनस. डी. जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर वाजबर्न इन देश पंजाब अफगानिस्तान सिंध और बंगाल. तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है सी सिंध. नेक्स्ट अगला जो एमसीक्यूज है क्वेश्चन नंबर 68 है हमारे पास. आई थॉट इट विल बी प्रमोटेड वाज माइन बट माई अटेंडेंस वॉज नॉट गुड एनफ. विच टाइप ऑफ सेंटेंस एट एज. तो 68 में हमारे पास है कम्प्लेक्स सेंटेंसेज, कंपाउंड सेंटेंसेज और सिंपल सेंटेंसेज और कंपाउंड कम्प्लेक्स. तो इसमें हमारे पास जो बी ऑप्शन है कंपाउंड सेंटेंस ये करेक्ट है. नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 है हमारे पास. ही इज प्रपोजिंग दिस चेंज इन द प्रोसीजर. चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस. This change was being proposed by him in the procedure. और B जो है this change has been proposed by him in the procedure. Next हमारे पास जो अगला option है लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे C में this change is being proposed by him in the procedure. तो इसमें हमारे पास ये C option जो है वो बिल्कुल correct है. Question number 70. I saw you. I am better. Choose the correct conjunctions. तो इसमें हमारे पास 70 में जो करेक्ट आंसर बनता है डियर और फार और सेंस. सो सेंस आई सा यू, जब से मैंने आपको देखा है. तो ये बिल्कुल इसमें करेक्ट है. जब से एग्जैक्ट के लिए मुकर्रर वक्त के लिए जब से इसको देखा है तो उसके लिए हमारे पास सेंस लगेगा. 71. अब यू होल्ड ऑन अ लिटिल लॉन्गर थिंग्स विल डेफिनेटली इम्प्रूव. द अंडरलाइन प्रेज इन मीन्स टू कंटिन्यू टू कंसीव टू सरेंडर और टू फॉरगिव. तो 71 में हमारे पास जो करेक्ट आंसर यहां पर इसका बनता है टू कंटिन्यू. ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट था. अगला है 72 हमारे पास. जो क्वेश्चन है 72. ही सेड टू हिज मदर आई विल कम होम अर्ली दिस नाइट. चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच. तो इसमें हमारे पास 72 में जो करेक्ट आंसर बनता है वो है हमारे पास he told this told his mother that he would come home early that night. ये सी ऑप्शन जो है ये हमारे पास करेक्ट है इसमें. अगला है जमीन पहाड़ से कीमती अशिया निकालने वाली को डैश कहते हैं, बड़ी कहते हैं, कार्बन कहते हैं, कानकुन कहते हैं, संतराश कहते हैं और मक्खी जब. तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है कानकुन. यहाँ पर भी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है. अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ. तो अशोक एडी अबाउट 30 years, 35 years, 40 years or 48. तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो 48 years बिल्कुल करेक्ट है. नेक्स्ट अगला जो 77 है द वर्ड डुसाइल मीन्स देश. तो डुसाइल का जो मीनिंग्स है यहाँ पर 77 में हमारे पास इसका एग्जैक्ट आंसर ओबी है, ओबीडियंट. बी हमारे पास करेक्ट है इसका. नेक्स्ट 78 है हमारे पास. टेक दीज टू द क्लर्क. द अंडरलाइन वर्ड्स इज इंडिश इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन. तो 78 में हमारे पास करेक्ट आंसर है डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन. डी हमारे पास करेक्ट है. 79 मेनी यू गेट सक्सेस इन योर एंडियोर. विच टाइप ऑफ सेंटेंस इज इंपेरेटिव.
मे यू गेट सक्सेस, यानी अपडेटेड दवाइयाँ जुमला है, तो यहाँ पर हमारे पास इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, अपडेटेड दवाइयाँ जुमले इसको कहते हैं। दैट वन लुक्स वरीड, द अंडरलाइन पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इज डैश, तो 18 में हमारे पास इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल डिटर्मिनर और, तो डेट हमारे पास ये डिटर्मिनर है, डिटर्मिन सी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है 18 में। नेक्स्ट अगला जो एमसीक्यूज है 81, द एबिलिटी टू गिव टू अदर इज एन इंपॉर्टेंट करेक्ट ट्रेट्स, द अंडरलाइन पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इज नाउन फ्रेज, एडवर्ब, एडजेक्टिव फ्रेज और प्रीपोजिशनल, तो इस 81 में हमारे पास जो करेक्ट आंसर बनता है वो है ए, नाउन, ये हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट डैश में कही हुई बात अमानत है, दरसगाह में मजलिस में, तो ये हमारे पास हदीस भी है और मजलिसों में, इसमें करेक्ट है बी ऑप्शन। 73 की तरफ चलते हैं नेक्स्ट, तो 83 है, अली बिन हजवेरी जब तक जिंदा रहे देश में तबलीग का सिलसिला जारी रहा लाहौर में, ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, अफगानिस्तान से ये आए थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ वालों को हक की तरफ बुलाते रहे 15 दिन तक, 10 दिन तक, 18 दिन तक और 12 दिन तक, तो इसमें हमारे पास 10 दिन तक, ये करेक्ट है। अगला है टेंजेंट 45 डिग्री, तो इसके लिए एक सिंपल सर्टिक मैंने अक्सर एक ट्रिक भी यूज़ किया है, तो वहाँ से पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस को आप मतलब याद कर सकते हैं, तो इसमें हमारे पास टेंजेंट 45 जो है ना वो 1 के इक्वल, तो इसमें बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट, द इंटरनल एंगल एट ईच वर्टेक्स ऑफ रेगुलर ऑक्टागन इज, ये हमारे पास होता है 135 का, बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट, डेसिमल फॉर्म ऑफ द 111 विद बेस 2 इज, इसको मैं डिटेल से सॉल्व कर चुका हूँ अपने चैनल पर, और इसके बाद भी मैथमेटिक्स के पोर्शन को 1 by 1 एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये 7, अगर आप 7 को बेस 2 फॉर्म में करेंगे तो ये 3 दो दिन 1 बच जाएगा, और इसी तरह फिर अगर आप 2 करें तो 2 वन जा और पीछे 1, तो 111 इसी से 7 से ही आएगा, लिहाजा ये 7 इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, जो वाल्स है इसमें 5 नंबर है, तो हमारे पास एक सिंपल फार्मूला होता है 2 power, हमारे पास होता है फार्मूला 2 power n, तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 है, तो 2 power 5, 2 को अगर आप 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 करेंगे तो 2 × 4 4 × 8 8 × 16 16 × 16 × 32, ये 32 आपके पास आएगा, और 32 यहाँ पर डी ऑप्शन में आपके पास मौजूद है, वो यही आपका एग्जैक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला जो 89 है, ये भी एक्स प्लस 1/x = 8, अगर दोनों तरफ आप क्यूब ले लें तो x³ + 1/x³ + 3 इंटू x+1 = 8 का अगर आप क्यूब लेंगे तो 64 64 = 512, और 3 × 8 = 24 24 दूसरी तरफ जाएगा, तो ये आपके पास एग्जैक्ट जो आएगा इसका आंसर 488 आएगा, 488 सी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है। ये मैं डिटेल से सॉल्व कर चुका हूँ। एनिमल्स आर एनिमल्स दैट आर वर्टिब्रेट्स इनवर्टिब्रेट्स, ये इसका एक ग्रुप है इनवर्टिब्रेट्स का, बी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट, 91, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन, तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट आंसर है 91 में वो है बी, थैलेमस, बी हमारे पास करेक्ट है। और नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेट्स ब्रीथिंग, तो रेगुलेट करता है मोन्स के तहत ब्रेन्स, तो और मेडुला ब्लैंड कौन सा ये करता है, तो ये पॉन्स करते हैं, ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अगले एमसीक्यू की तरफ चलते हैं 93 की तरफ, तो 93 है, द ब्रेन ऑफ एन एलिमेंट इज अबाउट 300 grams, 25 grams, or 600 grams, तो इसमें हमारे पास ये जो सी है 600 grams, ये बिल्कुल करेक्ट है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द नोबल गैसेस इन द एटमॉस्फेयर, ये तकरीबन 0.9%, ये डी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारे पास, इसको हम कमेंट बॉक्स में कर लेते हैं 95 को, या आप खुद भी कमेंट कर सकते हैं। आ मैं
दौड़ में अव्वल ना सक कवायद क्यों से हदकशीदा लफ्ज क्या कहलाता है, तो ये हमारे पास कहलाएगा और बेतासब बी ऑप्शन अफसोस की बात है, आह में दौड़ में अव्वल ना आ सका, तो ये हमारे पास बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। कबाला के क्या मानी है, कबाला जो है हमारे पास ये कहते हैं मलकियत की दस्तावेज जो होता है, जो कागजात हैं उसको कहते हैं, तो बी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट अगला जो नहीं कहेगा सो याद रखेगा, तो इसमें ये जो है जो क्या है ये खुरूब शर्त है। नेक्स्ट अगला सुल्तान महमूद गजनी बिकेम अ किंग्स इन द एज ऑफ डेश, तो इन द एज ऑफ 27, बल्कि आपको बुक से बता भी देता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये 27 महमूद खान गजनवी 27 साल की उम्र में तख्तनशीन हुआ था, यहाँ पर ये मौजूद है। अब लास्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, तो अब लास्ट एमसीक्यू से तकरीबन कंप्लीट पेपर हम सॉल्व कर चुके हैं। हुमायूं वाज डिफीटेड बाय शेरशाह सूरी एंड द बैटल ऑफ चांसा ड्यूरिंग दैट टाइम हुमायूं वाज कंपेल्ड टू टेक रिफ्यूज एंड देश अफगानिस्तान ईरान इराक और चाइना, तो चलो ये क्वेश्चन भी बुक से बता देता हूँ, बुक की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 1539 में चौंसा और 1540 को कुनूज के मैदान में शिकस्त हुई, इस दौरान हुमायूं ने ईरान में जो है ना पना रिफ्यूज कहते हैं पना लेना, तो ये यहाँ पर आप देख रहे हैं आंसर मौजूद हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह जस्टिफिकेशन के साथ बहुत सारे क्वेश्चंस हमने आप के लिए जो है ना वो किए हैं और उसके स्क्रीनशॉट लगा चुके हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर किया करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, और जो रिमेनिंग क्वेश्चंस अगर 3-4 रह गए हैं पूरे 100 मार्क्स के पेपर में, तो वो भी हम कर लेंगे, और मैथ के पोर्शन को हम डिटेल के साथ कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।